आठवीं दर्जे प्रली इख्तिताम फंसी, प्रीपेड कैटेगरी में तैमूर ख्वाजा मैदान मार लिया। मुकर्रा फासला 2 घंटे 4 मिनट और 6 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे। मुसद्दिक खाकवानी दूसरे, शहराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसेस में सुपर सलमा ने सबको पिछाड़ कर पहली पोजीशन हासिल की। 1 घंटा 31 मिनट 49 सेकंड में 100 किलोमीटर फासला तय किया। दीना पटेल दूसरे और सैयदा रिदा तीसरे नंबर पर रहीं। मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में थलजी प्रैली की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और दीगर अफसरान की शिरकत। मर्द व खवातीन रेसर्स भी तकरीब में शरीक। नामवर फनकारों ने अपनी आवाज़ के सुर बिखेरे। तकरीब में सराय की झूमर का तड़का, शायकीन महजूज हुए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में थलजी प्रैली की तकरीब तकसीम इनामात। प्रीपेड स्टॉक वेटरन कैटेगरीज में पोजीशन के हामिल मर्द व खवातीन रेसेस में ट्रॉफियां तकसीम। प्रीपेड कैटेगरी में तैमूर ख्वाजा, मुसद्दिक खाकवानी और शहराज कुरैशी को ट्रॉफियां दी गईं। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत को पहली पोजीशन पर ट्रॉफी दी गई, दीना पटेल को दूसरी और सैयदा रिदा को तीसरी पोजीशन पर ट्रॉफी से नवाजा गया। स्टॉक कैटेगरी के हामिल रेसर्स जमील अहमद को पहली पोजीशन हासिल करने पर ट्रॉफी दी गई। दूसरी पोजीशन पर फलक शोएब बलोच और तीसरे नंबर पर आने वाले हुसैन उल हक को भी ट्रॉफी से नवाजा गया। वेटरन कैटेगरी में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाले रेसर्स में भी ट्रॉफियां तकसीम की गई। अंस खान खाकवानी, फैरोज अहमद, सरफराज हुसैन दानजी वेटरन कैटेगरी में शामिल। थल मेले के आखिरी रोज बाइकर्स रेस का भी इनेकाद किया गया। 30 किलोमीटर के ट्रैक पर 21 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 3 क्वाड बाइक्स ने भी रेस में हिस्सा लिया। बाइक रेस में बाप और बेटे ने भी शिरकत की। कहा, खतरों से लड़ने का शौक है इसलिए रेस में हिस्सा लिया। हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और लोक म्यूजिक का तड़का। थलजी प्रैली के दौरान सस्ती तफरी के बेहतरीन मौके फराहम। चांगा मांगा टीला पर मशहूर लोक फनकार पठाने खान के भतीजे की परफॉर्मेंस। सराय की सुफियाना कलाम सुनाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। सयाहों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर समा बांध दिया। झूमर पार्टियों का रिवायती रक्स, मिड पॉइंट चौबारा पर कबड्डी के भी शानदार मुकाबले। पहलवानों ने खूब दाव पेच आजमाए। आठवीं थलजी प्रैली और सकाफती मेला। रंगपुर के टीलों में शायकीन की कसी तादाद ने अपने अपने पसंदीदा रेसर्स को सपोर्ट किया। फैमिली के हमरा आए बच्चे भी धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों और खेलों के मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होते रहे। मैं इस मरतबा साहिबा सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो इस मरतबा विन करेंगे। ये जो अच्छा ट्रैक है, यहाँ पे मजा आ रहा है बहुत माशाल्लाह। तो दोस्त अबाब भी मौजूद हैं यहाँ पे, दोस्तों ने बुलाया हमें वहाँ से हम आए हैं। हम चौक सरव शहीद से आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। गाड़ियाँ गुजरती है, बहुत लुफ्स होता है, मिट्टी उड़ती है। और आज छुट्टी का दिन था और दोस्त हमारे साथ आए थे। लैया की तहसील चौबारा में सजाया गया 4 रोज़ा थल मेला अपनी तमाम तनरंगीनियों को समेटने के बाद इख्तिताम पज़ीर। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वालों में इनामात तकसीम किए। डीसी ने जिला इंतजामिया के अफसरान, मेला इंतजामिया को शीर्स और सराकी अजरक का तोहफा दिया। सर्दियों का आगाज होते ही मियां चनू के लुंडा बाजार में रश। शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ। महंगाई ने यहाँ भी शहरियों का ना बख्शा। चीजों की कीमतें सुनकर सार्फीन परेशान। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की अपील।
कपास की 8500 रुपए फीमन खरीदारी के हुक्म पर अमल ना हो सका। चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन चौधरी वहीद अरशद कहते हैं 600 फैक्ट्रियों में अरबों रुपए का माल पड़ा है, काश्तकार और जिनर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं।